हर किसी को पुरानी मीठी मीठी यादों में खो जाना अच्छा लगता है। ऐसे ही यादों में खो गए आशीष शर्मा जब वो आए सास बहू साजिश के दफ्तर में। अरे उनकी फिल्म आ रही है ना, उसी के प्रमोशन के लिए। उस फिल्म का नाम है हिंदुत्व। कभी वो पारों का रुद्र था तो कभी इसिया का राम, और आज वो बन गया है हिंदुत्ववादी। लेकिन हमारा रिश्ता तो वही पुराना वाला है ना, तो इसीलिए जब आशीष शर्मा से किसी स्टोरी के बारे में बात हुई ना, तो याद आ गई पुरानी यादें। बताइए, मैं काम आज गेस कीजिए। मैं आया हूँ एबीपी के ऑफिस, एसबीएस के ऑफिस, और इस ऑफिस में मेरा तकरीबन एक दशक पुराना रिश्ता है। मेरे जितने किरदार मैंने आज तक निभाए हैं पिछले एक दशक में, उन सब की शुरुआत यहाँ से हुई। उन सब के साथ मेरी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज इस कमरे में बनी हैं, इस ऑफिस में बनी हैं। तो जब मैं बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, तो उस किरदार की भी शुरुआत यहाँ से होना लाजमी है। तो आइए बप्पा का आशीर्वाद लेते हैं और शुरू करते हैं। आज ये ऑफिस मेरा है और आज की सारी स्टोरीज मैं खुद बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा इतना पुराना रिश्ता, ये प्रिविलेज मुझे मिला है एबीपी की तरफ से, एसबीएस की तरफ से, कि आज की जो अपनी स्टोरी है वो मैं खुद बनाऊं। तो पहले तो ये देखते हैं ये लोग कर क्या रहे थे मेरे पीठ पीछे। प्यार है मुझसे, इतनी लंबी स्टोरी बनाई है, जुड़े हुए हैं, वाह, सारा प्राइम टाइम मेरे लिए, वेरी गुड। ऑफ कोर्स आशीष, बिकॉज ही इज अ डियर फ्रेंड और हमने पहले भी काम करा है साथ में, तो आशीष इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, तो उनके साथ तो एक रैपो ही अलग है। अब मौका है पुरानी यादों को याद करने का। तो भाई, उसमें आशीष ने अपनी ऐसी कई स्टोरीज देखी जिन्हें देखकर उन्हें पुराने दिन याद आ गए, और कहीं कहीं तो उनकी आंखें भी नम हो गई। संजीव कुमार की मिमिक्री करेगा बहुत अच्छा। माय ठाकुर साहब फ्रॉम शोले, सी आई रिमेंबर दिस, बहुत अच्छा मिमिक करता है। ये जो गाना गाएगा ना, ये ऐसा गाएगा जैसे ठाकुर साहब गाना गा रहे हैं। अगर ये शोले का ठाकुर होता तो ये कैसे गाता? ये रोज थी हम ही छोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मेरे तेरा साथ ना। आई नो दिस सो लॉन्ग अगो, कितना समय हो गया, सो सालों हो गए इसको, और हैदराबाद में थे हम लोग, एंड सो नाइस ऑफ एबीपी टू कम ऑल द वे देयर एंड शूट दिस फॉर अस ऑन अ फ्रेंडशिप डे। अब क्या
वैलेंटाइन डे पे पहुंच गए हम लोग। फ्रेंडशिप से बेकरार भर देता है पत्थर दिल में भी प्यार, जो कल तक पारों के लिए चल्ला था वो अब पारों को प्यार करने लगा है, जो पहले पारों की हर हरकत पर गुस्सा दिखाता था पारों की हर हरकत को सहा जा रहा है और बदले में वो भी प्यारी प्यारी हरकत पर उतर आता है। शो के मतलब रंगरसिया जब आया था और उस समय आई थिंक ना सिर्फ जोड़ी बट द होल शो उस समय के लिए आई थिंक बहुत ही वे अहेड ऑफ इट्स टाइम और उस समय का सबसे आई वुड से लाइक अ मैग्नम ओपस था, ब्लॉकबस्टर शो था। अब न्यूज़ के ऑफिस में आएंगे तो थोड़ा बहुत न्यूज़ वाला भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो जल्द ही आशीष के फिल्म हिंदुत्व रिलीज होने वाली है, फिर क्या उन्होंने खुद ही कोशिश की अपनी ही स्टोरी बनाने की। जैसा मैंने आपको बताया कि आज मैं एबीपी के ऑफिस आया हूँ और मुझे बहुत सारी प्रिविलेज मिली है यहाँ पर, क्योंकि मैं इनके मेरा इनके साथ में इतना पुराना रिश्ता है तो उस रिश्ते का लिहाज रखते हुए आज मुझे ये प्रिविलेज दी गई है कि मैं अपनी स्टोरी खुद बनाऊँ। स्टोरी तैयार है और अब हम करेंगे वॉइस ओवर। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और मेरी फिल्म हिंदुत्व का जो प्रमोशन है उसके लिए मैं बहुत जद्दोजहद कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और आज हमने वाकई आपको बताया कि कितनी मेहनत इसके पीछे लगती है कि हम अपनी फिल्म को आप तक ला पाएँ, आपको ये बता पाएँ कि हमारी फिल्म आ रही है। तो फिल्म आ रही है 7 अक्टूबर को, हमारी मेहनत को प्लीज़ प्लीज़ तवज्जो दीजिए और थिएटर में देखने आइएगा इस नई कहानी को। क्यों? क्योंकि आपकी और मेरी कहानी है, हिंदुस्तान की कहानी है, भारत की कहानी है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।